कमेटी रिटेल के ओएल एंड कॉपरेटिव डीलर्स यूनियन जे एंड के जी जी इसलिए यहाँ पर आया है कि 23 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के ने एक एसओ निकाला था जिसमें ये लिखा गया कि AAY कैटेगरी को तेलिखा की मिलना चाहिए क्योंकि इससे पहले PHH जो आम कैटेगरी है इसको हम PHH कहते हैं PHH वालों को तेलिखा की था पिछले मतलब सालों से मतलब जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से हम ये तेलिखा की ले रहे थे PHH कैटेगरी के लिए तो हमें उसमें गरज नहीं है हम उनको बांटने के मतलब बांटने वाले लोग हैं हम रिटेल केरोसिन ऑयल डीलर्स हैं जम्मू कश्मीर के हम रिटेल केरोसिन ऑयल डीलर्स हैं हम करीबन 6000 है तो जिसमें खसूसन हम 2500 कश्मीर के कॉपरेटिव और रिटेल डीलर्स प्राइवेट जो फूड सप्लाईज की तरफ से हम ये तेल लोगों में तकसीम करते हैं तो एसओ 108 ने इस तेल खाकी की बुनियाद को ख़त्म कर दिया और हमारा रोज़गार इसमें बिल्कुल स्नेच हो गया ख़त्म हो गया तो अगर मेरी तरफ से सरकार को गुजारिश है जो इंडियन गवर्नमेंट को गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के को गुजारिश है मनोज सिन्हा साहब को गुजारिश है चीफ सेक्रेटरी साहब को जो हमारा जुबेर साहब है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब उसको गुजारिश है अगर आप जनाब ने इस तेल खाकी को कंटिन्यू रखना है सिर्फ AAY के लिए जिसमें हमें टोटल कश्मीर डिवीजन को 7 लाख लीटर तेल खाकी आते हैं वो बिल्कुल नाकाफी है वो इतना नहीं है जिस पर हम उसको बांटेंगे फिर हम अपना रोजगार चालू रखेंगे हमारी तरफ से गुजारिश है कि या तो ये तेल खाकी को बिल्कुल इसी रेट पर दे दीजिए 50-60 रुपये जो पिछला चल रहा था और इन्होंने और एक चाल बनाई है इसको ख़त्म करने के लिए जो कमर्शियल फ्यूल है चाहे पेट्रोल हो डीजल हो इसको ये 1-1 रुपये घटा रहे हैं मगर जो रियायती केरोसिन ऑयल है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक डिमांड थी और चाहिए भी इनको अपने चूल्हे जलाने के लिए क्योंकि अभी भी हमारे